जिस तरह से 30 पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है, उसी तरह हिंदू धर्म में संतान सुख और बच्चों की उन्नति के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण व्रत किए जाते हैं। इनमें से कुछ जितिया व्रत, संतान सप्तमी और छठ पूजा शामिल है। ऐसा ही एक और व्रत है जिसका नाम है अहोई अष्टमी और ये कार्तिक माह में मनाया जाता है, जिसे बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती की उपासना कर अपने संतान के उज्जवल भविष्य और वंश में वृद्धि की कामना करते हैं। नमस्कार, आप ये कवरेज सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सुनिए एक से बढ़कर एक दिलचस्प टॉपिक और फेस्टिवल सीजन पर हमारी खास कवरेज। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ये व्रत एक अनुष्ठान है जो माताएं अपनी संतानों के लिए करती है और इसके पीछे की मान्यता है संतानों के जीवन के कष्ट मिटाना। और यहीं से इस व्रत के नाम को अर्थ भी मिलता है, क्योंकि असल में अहोई का मतलब है अनहोनी को बदल देना। हालांकि उत्तर भारत के विभिन्न अंचलों में अहोई माता का स्वरूप वहां की स्थानीय परंपरा के अनुसार बनता है। ऐसे में संपन्न घर की माही महिलाएं चांदी की अहोई बनवाती हैं और सामान्य घरों में जमीन पर गोबर से लीपकर कलश की स्थापना की जाती है। अहोई के चित्रांकन में 8 पोस्टक की एक पुतली बनाई जाती है और उसी के पास स्याही से बच्चों की आकृतियां भी बनाई जाती है। आपको बता दें कि करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का ये व्रत किया जाता है। ये व्रत बच्चों की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से पुत्रवती महिलाएं करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इस त्योहार और इससे जुड़ी मान्यताओं को लेकर महिलाओं में काफी कंफ्यूजन देखने को मिलता है। अब अगर आप भी इस दुविधा में हैं, तो यहाँ अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 2023 के पंचांग के मुताबिक इस साल अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात 5 नवंबर 2023 रविवार को मनाई जाएगी। इस व्रत की शुरुआत 5 नवंबर को दोपहर 12:59 से होगी और 6 नवंबर सोमवार को सुबह 3:18 पर इसका समापन होगा। माताएं इस बीच विधिवत रूप से माँ अहोई की पूजा अर्चना कर शुभ मुहूर्त में पारण कर सकती है। वहीं इस व्रत में तारों को देखने का भी खास महत्व होता है। तो रविवार 5 नवंबर 2023 को शाम 5:58 के शुभ वक्त में आप तारों को देख सकते हैं। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का खास महत्व है। यह व्रत कर्मा अहोई से माताएं अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती है कि उनके बच्चे स्वस्थ, सुखी, समृद्ध हों और हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर हों। आप भी इस व्रत का पालन जरूर करें। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान या डुबकी लगाने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिनको गर्भ धारण करने में समस्याएं आती है, वे इस दिन श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं और इसके पीछे वजह है कि ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमारी खास पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहें हमारे साथ।